गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल ब्लॉग। और आज का अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आज कुछ खास होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं वाइट फूड चैलेंज करने वाली हूँ। 24 आवर्स वाइट फूड खाना है। थे रेड फूड वाला आप लोगों को बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने सोचा वाइट फूड करते हैं। वाइट और येलो में कन्फ्यूज थी, बट फिर मैंने आखिर में डिसाइड करा कि वाइट फूड करूँगी, येलो नहीं। येलो करेंगे बाद में करेंगे, पहले अभी आज है वाइट फूड चैलेंज। तो सबसे पहले देखते हैं वाइट फूड में क्या क्या होने वाला है। अभी मैंने अब ऐसे दो चीज़ मंगाई है, एक तो छाछ मंगाई है वो वाइट हो गई, और पनीर, दोनों चीज़ वाइट है। तो ब्रेकफास्ट का तो हो जाएगा कंप्लीट कि वाइट हो जाएगा, उसके बाद की सोचने के लिए बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेगी। या आ गया, और मैं केले भी ले आया जो बाहर से पीले, बाहर पीले होते हैं केले, तुझे पता नहीं है क्या? और केले मैं खाती भी नहीं, केले मेरे को पसंद भी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी केले वेले। तो अब देख, सबसे पहले कर रहे ब्रेकफास्ट वाइट, और उसके बाद सोचेंगे। सबसे पहले मेन होता है लंच में सोचना कि लंच में वाइट खाए क्या, और 24 आवर्स खाना ही पड़ता है वाइट ही। तो देखेंगे लंच की, लंच के टाइम पे सोचेंगे। अब भी सबसे पहले वाइट में खा लेते हैं पनीर और छाछ पी लेते हैं। दोनों एक साथ खा सकते हैं क्या? अभी मुझे पता नहीं है, अब छाछ और पनीर दोनों एक साथ चलता है नहीं चलता, बट हाँ मैंने मंगा लिया है तो लेकर आती हूँ मैं फटाफट से। पहले छाछ और पनीर। जस्ट मैंने पी ली है छाछ, पनीर नहीं खाया अभी, क्योंकि मम्मी कहती है छाछ या पनीर में से एक चीज खा ले या पी ले, तो मैंने छाछ पी लिया। पनीर खाएंगे बाद में, अभी वैसे भी अब तो पेट फुल हो गया है मेरा। और आज मैंने थोड़ा सा वाइट भी पहन लिया है, मैंने कहा वाइट फूड चैलेंज है, तो वाइट कलर का टॉप था मेरे पास, जिसके ऊपर मतलब फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक और ये सब बने हुए बर्गर, तो मैंने ये भी पहन लिया। आज वाइट वाइट हो गया, अब देखते हैं और वाइट क्या खाऊंगी, सोचूंगी। और अभी तो कुछ सोचा नहीं है कि, और वाइट पनीर रखा ही है, पनीर खा लेंगे दोपहर को। और कुछ सोचती हूँ मैं भाई क्या क्या खा सकती हूँ मैं, बता। लेकर आई हूँ अपने लिए पनीर, जिसके ऊपर मैंने मसाला डाल रखा है। और इसको पता नहीं कहाँ से खुशबू आ जाती है, ये देखो इसको जरा। चैम्पू चैम्पू, क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटे को, देखो क्या चाहिए। क्यों मेरे से पनीर बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, मैंने एक दो बाइट खाया बस, उसका खाया जा रहा है ऐसी ऐसी। मैं यहाँ भेजे तो को दे देती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का, अच्छा नहीं लग रहा। को दिया ही हूँ पनीर, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं। पनीर वैसे मुझे बहुत कम पसंद है, खाती हूँ बट कम खाना पसंद है। और ये आपको देख रहा पूरा फैला हुआ है, ये सारे कपड़े वॉश हुए थे तो ये वो आए हुए हैं। अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा कि इनको तय करके मैं लगा दूँ अलमीरा में, कभी इधर जाना हो रहा है कभी उधर जाना। और आज तो पता है मुझे क्या हो रहा है, मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने ब्रेकफास्ट करा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद से लेकर अब तक, अब टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, मुझे सिर्फ नींद ही नींद आ रही है, नींद ही नींद और नींद ही नींद। अभी मैं 5-10 मिनट के लिए सो भी गई हूँ, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, नींद आ रही है पता नहीं क्यों। और आज मेरा वाइट फूड डे चैलेंज है, और मुझे तो लग रहा है स्लीप डे चैलेंज होना चाहिए था, क्योंकि नींद इतनी आ रही है मुझे। मम्मी ने आइडिया दे दिया काजू बादाम का, मेरे पास काजू बादाम रखे हैं बाउल में, तो इसमें से हम काजू काजू निकाल के खा लेते हैं। और अब क्या खाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो, कि क्या मुझे क्या खाना चाहिए। बट अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सबसे पहले जाती हूँ बाहर आईपैड दिखाने, क्योंकि मेरा आईपैड जो है मतलब टूट गया था, साइड की स्क्रीन थोड़ी सी टूट गई थी, बट इसका इंश्योरेंस हुआ हुआ है।
ये मेरे को एक साल हो जाएगा लिए हुए, और इसको मतलब ये मेरा गिफ्ट था वैसे तो इसको एक साल हो जाएगा मुझे दिए हुए, तो उसका इसका इंश्योरेंस हुआ हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ आज चले ही जाती हूँ। हाँ, मैंने अभी इंश्योरेंस की रेट भी देखी, तो इंश्योरेंस की रेट इसके ऊपर लिखी हुई है 18 पता नहीं 19, इन दोनों में से एक डेट लिखी हुई है। हाँ, तो इसकी इंश्योरेंस की रेट है 19 और नौवा महीना, मतलब यही सितंबर का महीना। और तो फिर सोच रही हूँ मैं चली जाती हूँ, एक साल का होता है क्योंकि इंश्योरेंस, फिर एक साल बाद वही अगर एक दिन भी लेट हो गया तो ये लोग फिर सीन करते हैं। अभी भी पता नहीं कितने सीन करेंगे, अभी भी कुछ पता नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आईपैड कहाँ से टूटा हुआ है, छोटा सा टूटा हुआ है, छोटा सा क्रैक आया हुआ है। छोटा सा एक यहाँ पे क्रैक आया हुआ है इस पे, इसमें दिख नहीं रहा होगा, वेट, ये देखो आप दिख रहा है आपको, एक छोटा सा क्रैक आया हुआ है, ये इतना सा क्रैक आया हुआ है। दन दन दन। तो सोच रही हूँ मैं कि आईपैड चेंज दिखाई देती हूँ एक बारी, पता नहीं वो उसका क्या करेंगे, चेंज करेंगे या फिर नया देंगे या ठीक करेंगे, वो सब वहाँ जाके पता चलेगा। और इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस का 2700 का था इंश्योरेंस, तो देखते हैं क्या करते हैं वो। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में, पहले तो मैं सोच रही हूँ कुछ वाइट मिल जाए तो खा के निकल जाऊँ, या फिर बाहर ही देखूँगी अगर कुछ वाइट मिला, जैसे वाइट सॉस पास्ता मैं खा सकती हूँ, और दो तीन चीज़ें और है जो मतलब मेरे भी दिमाग में आ नहीं रही, बट हो सकता है बाहर जाओ तो आई जाए। तो चलो थोड़ा सा मेरे को आ रही है नींद, मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट पहले मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो 5-10 मिनट सो जाती हूँ और फिर चलते हैं हम सीधा मतलब। और उठ गई हूँ, सोकर उठते सीधे लग रही है भूख, अब सोच रहे क्या खाऊँ। तो मुझे एक आइडिया आया कि हमारे घर में ना साबुदाने के पापड़ रखे हैं, मैं लेकर आई थी साबुदाने के पापड़, तो ये तो वाइट है तो इनको मैं फ्राई करके खा सकती हूँ, ये वाइट, तो इनको फ्राई करके लाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। आपने खाए होंगे वैसे, या जिसने खाया वो कमेंट करके बताओ। अब फाइनली मैंने साबुदाने के पापड़ बना लिए अपने लिए, ये रे वाइट कलर के हैं ये, और कितने क्रिस्पी है। जा रही है क्योंकि मुझे जाना है पंजाबी बाग आई पैड के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा इसको ले लेती हूँ अपने साथ, अकेले जाने से सही है। अकेले आ गई हूँ, ये रहा सामने मैंने इससे लिया था, तो देखते हैं अभी अंदर क्या कहते हैं। मैं आ गई हूँ आई पैड ठीक करा के, मुझे तो लगा था एप्पल वाले फिर से आपा करेंगे, क्योंकि एक बारी मेरा एक्सआर खराब हो गया था, एक बारी मेरा 11 XR टूट गया था उसका भी इंश्योरेंस था, 11 टूटा था उसका भी इंश्योरेंस था, पर इन्होंने दोनों को ही ठीक नहीं करा, और आज तक आप देख सकते हो मेरे 11 की तो यही हालत है, दिख भी रहा हो तो आपको इसके अंदर, मैंने भी तो कवर चढ़ा रखा बट इसकी हालत वही हो रही है। तो इन्होंने आई पैड का तो 2700 का इंश्योरेंस था, बट हाँ अब आज गई मैं तो इन्होंने कहा ठीक है हाँ हो जाएगा चेंज, और ऐसे ऐसे पूछा कि कैसे कैसे टूटा है, देन एक ऐप डाउनलोड करी, उस पर सब कुछ लिखा कि हाँ हाँ क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या ख़राब है। तो अब ये रहा आईपैड, अभी है यहीं पे आईपैड, और आईपैड जाएगा कल आईपैड कल या परसों में, 2 दिन में इनका कोई मतलब ये किसी को भेजेंगे और वो ले जाएंगे इसे सर्विस सेंटर, ये बेंगलोर जाएगा और वहाँ से नया, पता नहीं ये ठीक होकर या फिर नया होकर, मतलब नया या फिर ठीक होकर यही आईपैड आएगा, और यही मतलब कलर होगा, यही सब कुछ होगा, और देखते हैं। वो 10 दिन का टाइम दिया उन्होंने कि 10 दिन के अंदर अंदर आ सकता है, 10 दिन में, और 2-3 दिन में पिक करके ले जाएंगे, और घर और नया भी घर पे आएगा, तो अब टेंशन तो है नहीं जाने की। और अब मैं बाहर, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ना वाइट सॉस पास्ता मिला पंजाबी बाग में, तो सारे मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे और लॉन्च से बाहर थे, तो लॉन्च बाहर जाने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा तो नहीं है कि मतलब स्पेशली मैं वाइट खाऊँ,
तो इसीलिए मैं गई नहीं। और मैं अभी लेकर आई हूँ मोमोज एक प्लेट, ये तो वाइट है ना, तो इसलिए मोमोज लेकर आई हूँ। बट इसकी चटनी नहीं खाऊंगी, और इतने मतलब 2-3 मैं मोमोज खा लूंगी, और बाकी फिर मम्मी के साथ खाती हूँ बैठ के, क्योंकि मम्मी को भी, मम्मी भी खा लेगी, मम्मी को भी मोमोज पसंद है। तो अब मैं मम्मी के साथ जाके बैठ के मोमोज खाऊंगी, बट चटनी के साथ नहीं खाऊंगी, सिर्फ वाइट वाइट खाऊंगी। और एक बार मैं पूरा मोमोज खाने की कोशिश करूंगी, वैसे तो छोटा सा ही है, और एक बार मैं खा, तो वो इसीलिए क्योंकि ताकि अंदर ना पता चले इसके अंदर कौन सा कलर है। सिर्फ ऊपर ऊपर से वाइट है, अंदर से तो चिकन मोमोज है, तो फिर अंदर से तो हल्का से ब्राउन ब्राउन से होंगे। तो इसलिए मैं एक बार में खाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि अंदर तक पता चले ब्राउन है, सिर्फ वाइट वाइट दिखे। तो मैं खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी डिनर का कुछ सोचा नहीं है कि मतलब क्या खाऊंगी रात में। दही खा सकती हूँ क्योंकि दही वाइट है, और देखती हूँ वाइट में क्या क्या खाऊंगी। तो मैं जैसा होगा आपको बताती रहूंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। और अभी मैं आपसे मिलती हूँ ये खाने के बाद। अभी मैंने डिनर नहीं करा है, थोड़ी देर में डिनर करूँगी। कपड़े ऐसे पड़े हैं, कपड़े ठीक करने का टाइम नहीं मिल रहा है। और आपको एक और बात बता दूँ, कल मैं जा रही हूँ अमृतसर, मेरी टिकट हो गई है, मैं ट्रेन से जा रही हूँ। 8 बजे की मेरी ट्रेन है, 8:12 की, हाँ 8:12 की मेरी ट्रेन है, तो 7 बजे मुझे निकलना है। तो अब थोड़ी सी पैकिंग कर रही हूँ, वैसे मेरा 1 डे का स्टे है सिर्फ, वहाँ पे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और ये कपड़े हैं मम्मी खुद कर लेगी, और देखती हूँ आप पैकिंग करूँगी, बस 1 डे की पैकिंग करनी है, 1 नाइट स्टे है, तो ज़्यादा कपड़े तो लेके नहीं जाऊँगी। सोच रही हूँ बस एक सूट रख लूँ, और एक यहाँ से पहन के जाऊँगी वो, और एक नाइट वेयर, बस ये सोच रही हूँ कपड़े रखने के लिए। और मैंने आने की टिकट भी कर ली है, और नेक्स्ट डे की मेरी सुबह की 9 बजे की आने की टिकट है। तो अब मैं करती हूँ, पहले सोच रही हूँ पहले लाइन करके कपड़ों पे और पैकिंग कर लेती हूँ पहले, सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि क्या डिनर में क्या करना है। वैसे मैंने दही मंगा ली है वाइट में, क्योंकि दही हो सकती है डिनर में, तो मैंने दही मंगा ली है। और पहले पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और पैकिंग में मैं क्या 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 लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आयन कर लेती हूँ, आयन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। पैकिंग करते हैं शुरू। पैकिंग मैंने कर ली है, और ये सब कुछ खाने की चीज़ें जो मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। ये कैरी करनी ज़रूरी है ताकि मैं टाइम पास कर सकूँ, मतलब मैं ट्रेन में टाइम पास हो सके, क्योंकि ट्रेन में टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अमृतसर का सफ़र कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है, बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें मंगा ली। अब फाइनली थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद, रोज का रूटीन, डेली मैं एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा चेहरा अच्छा सा हो रहा है ट्रैवल के बाद भी। ट्रैवल के बाद आकर भी मैं वही करती हूँ, डेली रात में वही रूटीन अभी फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा चेहरा हो रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी थोड़े दिनों में, जब और अच्छा चेहरा होने लगेगा, और मतलब मेरे को लगेगा कि हाँ ये चीज़ इफ़ेक्ट डाल रही है। लिप्स पे भी मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो गए थे, क्योंकि एक मतलब 3-4 तरीके की लिपस्टिक यूज़ कर रही थी। और मैंने एक दिन क्या करा, बाहर से कुछ लिपस्टिक मतलब सस्ते में ले ली, 100 रुपीज़ में 1 लिपस्टिक थी, बस उसका शेड अच्छा था वो। जब से उसने ऐसा रिएक्शन कर दिया, सारे होंठ ब्लैक ब्लैक हो गए। तो अब मैंने इसीलिए अब मैं लगा रही हूँ 2-3 चीज़ें, एक कंपनी की है, एक ब्रांड की चीज़ है, वो यूज़ कर रही हूँ, पर उसे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब मैंने आपको जैसा बताया था, मैं रिव्यू तब दूंगी जब मतलब मैं उसको पर्सनली यूज़ कर लेती हूँ तब। तो अब मुझे वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट दिख ही रहा होगा, मैं और पहले की और अब की फ़ोटो भी डाल दूंगी, आपको उसमें भी पता चल जाएगा। और अब कल के लिए तैयारी मैंने कर ली है, बैग बिल्कुल पैक हो गया है, आप चलते हैं सोने। और आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, कल से तो मतलब ठंड ठंड सी है थोड़ी सी, और आज तो पूरे दिन बारिश हुई, बारिश से भी ठंड लग रही थी। तो आप चलते हैं सोने के लिए,
बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल जल्दी उठूंगी मैं और अपने सफ़र स्टार्ट करूंगी अमृतसर तक का, जो कि मतलब मैंने बहुत बार करा बट बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, तो उसका मैं व्लॉग डालूंगी कल। बाय, गुड नाइट। और आपको मेरा वाइट फूड चैलेंज कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और आज मैंने दही अभी तक नहीं खाई है क्योंकि अभी मेरा पेट फुल हो रहा है, मैंने जब से मोमोज खा लिए थे तब से फुल हो रहा है। बट मैंने उस वाले रूम में मैं सोच रही हूँ अभी तो, क्योंकि इसमें एसी नहीं है तो उस रूम में सो रही हूँ, तो वहीं पे मैंने दही रख ली है, चीनी रख ली है, जैसे रात को अगर मन होगा तो वो दही चीनी खा लूँगी मैं, क्योंकि वाइट फूड चैलेंज है तो वाइट फूड चैलेंज अपना तोड़ेंगे नहीं, वाइट फूड चैलेंज ही निभाएंगे। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग एंड, बाय, गुड नाइट।